वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज योर हिंदी क्लास। बच्चों कल हमने क्या करा था, कल हमने पार्ट 9 के शब्दार्थ करे थे और चैप्टर रीड करा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और अभ्यास करेंगे, ठीक है। ओपन योर पेज नंबर 65। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेट डालेंगे, आज की डेट है 9th of October 2021। ये आपके मौखिक हैं, ठीक है, ये आपको बुक में ही लिखने हैं और ये आप खुद भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी पिक्चर नहीं देती हूँ ताकि आप लोग खुद लिखें इसको। एक शब्द में उत्तर बताने हैं आपको। क, केले खाकर छिलके किसने फेंके, किसने फेंके थे, राहुल ने। ख, भूत का डर किसने दिखाया, किसने दिखाया था भूत का डर, जब उन्होंने केले, जब केले के छिलके में माली फिसल गया था तो माली ने। ग, छिलके पर किसका पैर फिसला, माली का, ठीक है। ग, बाग में कितने कूड़ेदान रखे हुए थे, कितने रखे हुए थे, दो, एक हरा और एक नीला, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। टर्न योर पेज। अब ये आपके हैं लिखित वाले, ठीक है। फर्स्ट है इसका, नीले कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है, इसका आंसर क्या है। नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था सूखा कूड़ा क्या होता है, जैसे प्लास्टिक, कागज, लोहा आदि, ठीक है। ख, क्वेश्चन है, इधर उधर कूड़ा फेंकने के क्या परिणाम होते हैं। देखो आपको दिखने में ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, पर है बहुत छोटा। इधर उधर कूड़ा फेंकने से क्या होता है, देखो इधर उधर कूड़ा फेंकने से गंदगी और बदबू फैलती है और हैजा, पेचिस और डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। ग, हमें कभी भी खुला खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, मैंने आपको कल भी बताया था, हमें कभी भी खुला खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों, हमें कभी भी खुला खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि खुले खाने पर कौन बैठती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, जो कहाँ पर भी बैठती है, जो गंदगी पर भी बैठती हैं। तो यहाँ पर के बाद आप भी लगा देना, जो गंदगी पर भी बैठती हैं, जिससे खाने में कीटाणु आ जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमें खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कैसा खाना खाना चाहिए हमें, जो ढका हुआ हो, ठीक है, जो कवर्ड हो, अनकवर्ड फूड हमको कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। आपका घ है, भारत सरकार लोगों से क्या अपील कर रही है, तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई है, भारत सरकार लोगों से क्या अपील कर रही है और सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है। भारत सरकार लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील कर रही है और भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, कौन सा अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान चलाया है, इसको आप ब्रैकेट में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसका लास्ट है डॉ, हरे कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए, नीले में तो सूखा और हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालना चाहिए, जैसे फलों के छिलके, सब्जी, ये नहीं कि सब्जी ना खा के कूड़े में डाल दो, नहीं, जैसे सब्जी बच जाती है ना, एक बार होता है सब्जी बच जाती है, हमारा पेट भर जाता है, अच्छी नहीं लगती तो हम सब्जी को बचा देते हैं, वो सब्जी, और जो सब्जी को हम जब छिलते हैं, साफ करते हैं, तो वो सब चीज़, ठीक है, और चाय की पत्ती आदि, ठीक है। अब बच्चों हम इसके अभ्यास देखेंगे। 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है आपको। क, कूड़ा यहाँ डालना चाहिए, कहीं भी, सड़क पर या कूड़ेदान में, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में, ठीक है, तो कूड़ेदान में टिक करेंगे। ख, गंदगी से क्या फैलती है, क्या फैलती है, बीमारियाँ, बुराइयाँ या गरीबी, बीमारियाँ, तो बीमारियाँ पर टिक। ग, कूड़ेदान पर क्या लिखा होता है, मैंने बताया था ना, यूज़ मी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा प्रयोग करें, क्या कूड़ेदान में क्या लिखा रहता है, मेरा प्रयोग करें, इस पर टिक, ठीक है। आपके 4th क्वेश्चन में है, किसने कहा, किससे कहा। क, चलिए नहीं तो भूत आ जाएगा, ये किसने कहा था, मनीषा ने दादाजी से। ख, गंदगी पर तो मक्खियाँ भी बैठती है, ये किसने कहा, केशव ने दादाजी से। ग, यहाँ छिलका किसने फेंका, किसने फेंका छिलका, किसने बोला था, माली ने बच्चों से पूछा था, ठीक है। 5th, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, माली केले के छिलके पर पैर पड़ने से डैश गया, फिसल या लपक, फिसल गया, तो फिसल गया पर फिसल गया लिखेंगे। ख, सरकार ने डैश अभियान चलाया है, कौन सा, मानवता है, स्वच्छता का, स्वच्छता का। ग,
हमेशा डैच हुआ खाना खाना चाहिए, खुला या ढका, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, खुला हुआ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ख, हमें कूड़ा डैच में डालना चाहिए, पीकदान या कूड़ेदान में, कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको जो ये आपके लिखित क्वेश्चन आंसर से आपको ये तो हिंदी रीडर की कॉपी में करना है एज यूजुअल, और ये वाला जो आपकी अभ्यास है 3, 4, 5 ये आप किस में करेंगे, ओनली बुक में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर पोर्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही, थैंक यू।